फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे मेरे पास एक दो जनों के क्वेश्चन आए कि हम इंडोर प्लांट्स को फर्टिलाइज कैसे करें, तो इंडोर प्लांट्स को पानी कैसे देना, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और पर फिर भी जब आपको सर्च करना हो कि इंडोर प्लांट्स को फर्टिलाइज कैसे करें, तो उस पर मैं वीडियो बना लेती हूँ आज। तो ये देखिए, जो मैं नए बुद्धा प्लांटर्स लेके आई हूँ उनमें मैंने लगाया है। ऊपर एस्पेरेगस लगा दिया है और दोनों तरफ दो है सेंसिवेरिया वाले, इसमें एक में सिंगोनियम लगाया है और इसमें देखिए स्पाइडर वाला बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, इसमें स्पाइडर लगाया हुआ है। और अभी ये प्लांट्स ग्रो करेंगे फिर ये और भी अच्छे लगेंगे, थोड़े बाहर की तरफ ऐसे आएंगे स्प्रे करेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि हम इंडोर प्लांट्स को फर्टिलाइज कैसे करना है। तो देखिए, उसके लिए आप ऐसा करें कि आपके पास कोई भी खाद हो, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी ऐसे, क्या हम ऊपर से पानी नहीं देते हैं इंडोर प्लांट्स में। ऊपर से पानी देने से क्या होता है कि ऊपर ऊपर थोड़ा सा पानी दिया जाता है, पूरा अंदर तक पानी अच्छी तरह आए, तो इसके लिए हम उसको किसी बर्तन में रख के पानी देते हैं। इस पर मेरा अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो इसको फर्टिलाइज क्या करना है, जब हम इसको पानी देते हैं ना वीकली, उसी टाइम हम इसको फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइज कैसे करेंगे, कोई भी खाद हो आपके पास, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, कोई भी खाद हो, उसको आप एक दिन पहले रात को भिगो दें पानी में, उस खाद को अच्छी तरह भिगो दें। क्योंकि देखिए, ये छोटे पॉट्स हैं, इनमें हम ऊपर से ऐसे सूखी खाद डालते जाएंगे तो ये पूरे भर जाएंगे, तो इनको हम ऐसे नहीं देते और इनके जड़ों को जल्दी खाना मिले क्योंकि ये छोटे पॉट्स में है। अगर बड़े पॉट में लगा हुआ है आपको, तो बेस्ट तो यही रहता है कि उस बड़े पॉट को भी आप एक किसी ट्रे में रख के, जैसे ऐसी किसी बड़े टब में रख के ही पानी दें और फर्टिलाइज भी वैसे ही करें। लेकिन ज़्यादा बड़ा गमला है, उसको आप हिला नहीं सकते हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। लेकिन उसको फिर आप कैसे देंगे, जैसे ये लिक्विड फर्टिलाइजर बन गया, अभी मैंने इसको एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए अभी भिगोया है थोड़ी देर पहले, लेकिन जब आपको देना हो तो आपको एक दिन पहले, जैसे आज सुबह देना है तो रात को भिगो दें आप उसको, ओवरनाइट भिगो लें, तो वो सारा उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें आ जाता है, पानी में आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो अगर बड़े गमले हैं जिनको आप हिला नहीं सकते हो, उनको आप देंगे ऐसे ही, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। जैसे आपका 12 इंच का गमला है ना अगर, तो उसको आप एक कप देंगे, जो हमारा एक चाय का कप होता है। जैसे ये देखिए, आपको ये इतना बड़ा गमला दिख रहा है, ये टूट भी गया है थोड़ा सा मेरा, तो इसको अगर मेरे को वैसे देना है, पानी में रख के नहीं देना है, ऊपर से देना है, तो मैं इसको आधा कप के करीब बस इतना सा पानी दूंगी। इतना सा पानी इसलिए दूंगी कि ये जितना सा मैंने थोड़ा सा खाद वाला पानी इसको डाला है, बस इसकी जड़ों तक पहुंचे हल्का सा, और बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा और कमरा भी गंदा करेगा आपका, इंडोर वाली प्लेस भी। लेकिन ये जो आपको थोड़ा सा पानी देना है, ये हर हफ्ते देना है ताकि पौधे की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहे। लिक्विड फर्टिलाइजर जो देना है वो ऐसे देना है आपको इंडोर प्लांट्स में, बड़े गमलों में। अगर आपके जैसे ये छोटे गमले हैं, बहुत बड़े गमलों की बात कर रही हूँ मैं, इसकी नहीं कर रही हूँ, इसको इस ये जो साइज का गमला आप देख रहे हैं, इसको मैं पानी में टब में रख के ही पानी देती हूँ आपको, सिर्फ बताने के लिए मैंने इसमें डाला है। जो बड़े गमले होते हैं, मेरे हाथ का साइज आपको दिख रहा है, इतने बड़े बड़े जो गमले होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे जिनको आप हिला नहीं सकते, उनके लिए कह रही हूँ मैं, एक कप आपको ऐसा वाला लिक्विड फर्टिलाइजर देना है उनको हर हफ्ते, ताकि उनको खाद भी मिलती रहे और पानी नीचे से जाके और खाद वेस्ट भी नहीं हो। और जब हम इन छोटे गमलों की बात करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे इस टब में पानी लिया, तो ये वाला लिक्विड फर्टिलाइजर इस टब में डाल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मेरे इस लिक्विड फर्टिलाइजर जो है मैंने भिगोया है, इसका कलर इतना डार्क नहीं आया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने इसको अभी 10 मिनट पहले, फिर आप इसमें ऐसे गमले को रख देंगे। ये देखिए, ये गमले में ये जो पानी है, ये देखिए, अब इसमें भी थोड़ा ज्यादा ही है गमले के साथ, लेकिन ये पानी नीचे रहना चाहिए, यहां तक नहीं आना चाहिए, गमला डूबना नहीं चाहिए पानी में, पानी थोड़ा गमले की रिम से ये देखिए नीचे रहना चाहिए, ताकि जो पौधा है वो नीचे होल से इस पानी को एब्जॉर्ब करे, इस खाद वाले पानी को।
और इससे क्या होगा, आपकी वाटरिंग भी हो जाएगी, हर हफ्ते में एक दिन आप बांध लीजिए, वाटरिंग भी हो जाएगी और आपके पौधों को खाद भी मिल जाएगी। और ये आपको कितना डालना है, जितना मेरा ये इतना बड़ा टब है, ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये इतना सा टब है ये, तो इसमें आप जो है वो रात भर भीगा हुआ पानी जो है वो 2 कप डाल सकते हैं। इसमें तो आप 2 के 2.5 कप भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पौधे ने नीचे से उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेना है और वो पानी में मिलाना है हमने, तो इसलिए जो है इसको आप इस तरह से देंगे और ऐसे इसको रख देंगे। और जब तक ऊपर तक पानी, जैसे ये तो मेरा ऑलरेडी वाटर्ड प्लांट है, देखिए इसकी मिट्टी गीली है, इसको मैंने ऑलरेडी पानी दिया हुआ है। और अगर आपका जैसे हफ्ते में एक बार आप देते हैं ना, तो पानी सूख जाता है, ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, तो नीचे से पानी खींच खींच के जब तक ये ऊपर की मिट्टी गीली नहीं हो जाती, तब तक आपको इसको इस बर्तन में पड़े रहने देना है। जब ऊपर की मिट्टी गीली हो जाए सारी, उसके बाद इस पॉट को निकाल के रख दें, फिर दूसरे पॉट को रख दें, इसमें वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। और जब आपको लगता है ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है, खाद अब कम होने लगी है, तो 1 कप आप और डाल दें उसमें वो खाद वाला पानी। तो इस तरह से हमको अपने इंडोर प्लांट्स को फर्टिलाइज करना है, उससे इसको इनको डाइल्यूट फर्टिलाइजर भी मिल रहा है और हर हफ्ते देना है ताकि ये हेल्दी रहे। हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपने जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको फर्टिलाइज नहीं करते, हम लोग खाली पानी वानी देते रहते हैं, फर्टिलाइजर नहीं देते उनको। तो फर्टिलाइजर प्लांट को देना बहुत जरूरी है, और आप वीकली जब भी इसको पानी दें, उस पानी में आप थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी आपको ये घोल के पानी में रख दें, ओवरनाइट खाद को, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट को घोला है, कोई भी गोबर की खाद हो तो उसको घोल दें और ओवरनाइट रख छोड़ें, और फिर जब आप पानी दें उस पानी में डाल दें 1 या 2 कप, 3 भी डाल सकते हैं आप इसमें, थोड़ा जब क्योंकि ये डाइल्यूटेड है तो इसमें कोई फर्क इतना नहीं। अच्छा, क्वांटिटी आप कहेंगे कि कितनी खाद भिगोएं, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी भी भिगो सकते हैं। अगर आप 5 लीटर की बाल्टी ले रहे हैं तो उसमें इतनी खाद डाल दीजिए, 5 लीटर में इतनी डाल दीजिए, दोनों हाथ भर के इतना लेते हैं, तो वो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे आप अपने सारे प्लांट्स को वीकली फर्टिलाइज करें तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखाएंगे। और फिर रोज पानी नहीं देना है, हफ्ते में एक बार इनको इस तरह से पानी देना है बर्तन में रख के, वाटरिंग, हाउ टू वाटर इंडोर प्लांट्स भी आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, ऐसे पानी देना है, उस पानी में खाद मिला देना। और अगर आपको एप्सम सॉल्ट महीने में एक बार देना चाहें, तो 3 हफ्ते छोड़ के 4थे हफ्ते आप इसी पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बस चुटकी भर डालते हैं या आधा चाय का चम्मच डाल दें, बहुत सारे प्लांट्स को देना है तो ऐसे आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करते रहें। और आपके प्लांट्स जो हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट्स हम ज़्यादातर फूलों वाले तो लगाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें फॉस्फोरस वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खाद में जो सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं उनको, यही उनके लिए सफिशियंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको, मुझे लगता है समझ आ गया होगा, और इसी तरह आप अपने प्लांट्स को खाद देते रहें तो आपके इंडोर प्लांट्स भी अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।